पर जो चमक आती है वो महतारी के कर्म से आती है, मैया के कर्म से। वो संतान हो उधर में, वो महताई पोता मट्टी भग रही हो तो चमक आवे ही कहां है? बताओ, मट्टी कोई खावे की चीज है? बेटा जन्मा तो कैसा जन्मा है बताया हमारे गुरुदेवता ने। लला मेरो ऐसी घर में जायो, लला मेरो ऐसी घर में, लला मेरो जानता था कि जब मैया के पास कोई है ही नहीं तो नार काटेगा कौन, तो उस बेटा के नार आया ही नहीं। और वरुण देवता धरे साथिया, अरे धरे साथिया, और इंद्र नाचिवे धरे साथिया और इंद्र नाच रे आयो लला मेरो ऐसी घड़ी में जी आयो। राजभवन पे बाजे बज रहे हैं बेटा की खुशी में, और इधर क्या बजा है? अरे कोई बजाई रहे थाली को, अरे थाली को, और काउन बेला बजा राजा को भी पता चल गया था कि बड़ी रानी के बेटा हुआ है। मन तो खूब करो कि लाओ देखिया में, पर हिम्मत ने काम नहीं दिया। जब नामकरण करवाए, बड़ी रानी के जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम रखा गया ध्रुव, और छोटी रानी के जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम रखा गया उत्तम। सोता बंधु, एक शेर आटा जौ का ही जाता था केवल, उसी से अपना पालन करती थी। धीरे धीरे बेटा को पाल के 5 वर्ष का कर दिया, 5 वर्ष का। एक दिन राजा उत्तानपाद छोटी रानी के बेटा को गोद में लिए बैठे थे गोद में, तो बड़ी रानी का लड़का ध्रुव धीरे धीरे निकल के और जब सामने पहुंचा, जितना समाज बैठा था, राजा के सचिवगण प्रधान बैठे थे, वो सब चारों तरफ देख के बोलेंगे देखो राजगद्दी लाग बालक तो बोए। सूर्य जैसा तेज चमक रहा था, पर हिम्मत काऊ की नहीं परी कहवे की। ध्यान रखना ऐसा होता क्या। अरे भोड़ी सी सूर
सूरत के मंत्री बने बैठे, क्या तुम दिनों में उन्हें दिखाई दो तो बालक का थारे इतना बुखार आ गए? ऐसी ऐसी शकल के और ऐसे ऐसे राजन के से कुमार हैं सगड़ाने, तो कमंडल लेके द्वारदार पे भीख मांग रहे। कोई तेरी आपत्ति संग सुखी रहे, कोई तेरी आपत्ति संग सुखी रहे, कोई तेरी आपत्ति संग सुखी रहे, भैया सुखी रहे, कोई नजर राजाओं की पड़ गई, पर ध्यान रखना खून का खिंचाव ऐसा होता है कि जिस समय उत्तानपाद महाराज का अंश सामने दिखा है, हालत क्या बनी है? देखो राजकुमार, अरे के हर से अपार करो नहीं लालो, और ये अयोध्यापति महाराज नी हाथ को दे दो झालो, चल के पास गए। Oh,
महाराज तुम अगर आदेश कर दो तो मैं भोजन करे आऊ, जाओ करे आऊ। तो जैसे ही वो दास घर पे पहुंचा और अपनी पत्नी से कहा कि लाओ भोजन रख लाओ, सोता बंद हो, पानी तो दे गई, रोटी पस रही, सो ने कही के सुनना रही कि का है कि तुम बदना जी कह रही के छोटी भाई रानी ने राजा पे लिखवा ली है कि बड़ी रानी को लड़का तो कचहरी में जाऊ ना सको, तो लिखवा ना रही तुमको मंत्र देता हूं, ए पागल लिखवा ली हुई पर अब हम देख के आए कि बड़ी भाई कोई बैठो सूदे लंगो तुम्हें कि मैं किसम कि तुम आई किसम कि तुमने कि तू कुल्ला करियो मैं आला आ रही कहूं मंजा आग लगावे लौटिया पन्ना ही मानी। ध्यान रखना नारी के पेट में बात रुकती नहीं है, और अगर तुमने बलुदे के कह दी ने कि जा बात है कहूं कहियो मत सबरे दिन चना से भैया तरंगे पेट में पच्चे नहीं पड़े ताऊ खन लेकर के कि चाची मैं तुम्हें बता दे पर तुम काउते अब बता कहियो मत कही तो दैया। तो आज ये धर्मराज दुष्टर का श्राप लगा हुआ है, सोता बंधु जाके छोटी भाई रानी थी कही मैया सुनना रही कि काय कि तुम्हारी सोत को लला और राजा की गोद में देख के आए वे बिहार। सही बता रही है कि सही बता रही है? जो इतना शब्द कान में परो क्या अरे तबली करी चलिए महारानी जाई गद्दी पे बैठनो, सुरची कह रही है तो अगर जाई गद्दी पे बैठनो तो मेरी कोख ते जन्म लेता तो तेरा अधिकार होता। ए, रोता हुआ ध्रुव चल लिया सोता बंधुओं पर कई राज उन्हें कछ नहीं कह पाए। ध्यान रखना अगर काऊ नरक को द्वार देखना हो कैसो है